जैसे कि आप अभी देख सकते थे, मैं अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रही थी क्योंकि मेरे मिड टर्म के एग्जाम्स बहुत जल्दी आने वाले हैं। 1 दिसंबर से मेरे एग्जाम है और बहुत लंबे चलेंगे 17 दिसंबर तक। तो मैंने सोचा एग्जाम आने से पहले मैं आपको थोड़ा अपनी अपडेट दे दूँ कि कैसा हमारा चल रहा है घर का हाल। और जैसे कि वेदर भी चेंज हुआ है तो घर में बहुत सारे लोग मतलब सबको फ्लू हो गया था, किसी को नज़ला हुआ, किसी को खांसी हो रही थी, तो इसलिए सबने मेडिसिन लेके रिकवर कर लिए थे। खजक की भी बहुत तबीयत ख़राब हो रही थी लेकिन वो फिर हम अब सब ठीक हो गए हैं। और अभी ठंड भी बहुत तेज़ आ चुकी है तो मेरा सिलेबस भी मिल गया और डेट शीट भी आ गई है। तो अब जब सोया डर हो गया था फ़ौरन से तो इसलिए प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी मैंने। तो और जैसे कि अब लोग हम सब सुबह स्कूल आते हैं तो हम लोग रिक्शा में जाते हैं मैं और खजर, तो खजर को तो सुबह बहुत ठंड लग रही होती है, वो कहते हैं ना वो ठंड लग रही है, अब वो ठंड लग रही है, तो वो फिर अपने पॉकेट में हाथ डाल देते हैं। मैं कहता हूँ अच्छा अब नेक्स्ट टाइम से ना तुम जैकेट पहन के आना। तो अभी मामा ने आज ही हमारे स्वेटर्स और जैकेट्स निकाल लिए क्योंकि ठंड बहुत बढ़ चुकी है और रात के वक्त बहुत ठंड होती है। सुबह जब उठते तो बिस्तर से निकलने का बिल्कुल भी दिल नहीं आता, लेकिन बस सोते रहो मज़ा आता रहेगा। तो ये उसके बाद हमने कुछ प्लान भी किया हुआ है, जैसे अभी एग्ज़ाम के बाद विंटर वेकेशन आएंगे तो उसके लिए हमने कुछ प्लान किया है। इंशाल्लाह वो सही हो जाए वो सही से, क्योंकि अभी कोविड का है कि फिर से उसकी 5वीं लहर आने वाली है। तो इसलिए तो बहुत सारे लोग का है कि कोरोना की 5वीं लहर आ रही है, तो अल्लाह ना करे ऐसा हो, क्योंकि बहुत मुश्किल से हम लोग आफ्टर 2 ईयर्स हम लोग इतनी मुश्किल से अपनी स्टडीज़ पे सेट हुए हैं, हमारी रूटीन सही हुई है। तो अगर अब फिर से ऐसा होगा तो बहुत बुरा होगा, हमारी रूटीन फिर ख़राब हो जाएगी, फिर ऐसा अल्लाह ना करे ऐसा हो और हमारा जो प्लान है वो भी इंशाल्लाह हो जाए। तो हमने प्लान किया हुआ है तो आपको अच्छे अच्छे व्लॉग देखने को मिलेंगे। और उसके बाद से जैसे कि मेरे एग्ज़ाम्स तो चल रहे होंगे तो बीच में मैं वीडियोज़ तो नहीं डाल पाऊँगी यूट्यूब पर, तो मैं सोचूंगी कि अगर पॉसिबल हुआ तो मैं इंस्टाग्राम पे या तो स्टोरीज डालूंगी या फिर मैं पोस्ट डालूंगी या फिर मैं यूट्यूब शॉर्ट्स डाला करूंगी। तो उससे आप लोग को मेरी अपडेट्स भी पता चल जाएंगी कि मैं कहीं घूम तो नहीं हो गई, यहीं पे हूँ मैं। तो इसलिए और ये मैंने आपको बस इतना बताने की अपनी अपडेट देने के लिए वीडियो बनाई थी ताकि मैं आपको बता सकूँ, फिर आप लोग सोचेंगे कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही है। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया है, आपको पहले कन्फर्म कर दिया है कि एग्ज़ाम्स सबसे बड़ा मेन रीज़न है, मिड टर्म एग्ज़ाम, तो उसकी वजह से। तो आई होप ये आप बात समझ सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देगा। और हाँ, विश मी द बेस्ट ऑफ लक फॉर माई एग्जाम। अल्लाह हाफिज़। मुझे लाल लतीफा सिंध में, मुझे सोना शरीफा सिंध में, मुझे शाह पिता हिंद सिंध में, ये पैसों में ना ये सिंध जी या पहचाना मुझे।